नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। पलवल शहर में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उत्कर्ष चौधरी और एम राजनीतिक सचिव दीपक मंगला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार जनता फिर से विकास कार्य व देश की सुरक्षा को लेकर प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने वाली है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से पलवल के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा है, उससे साफ जाहिर है कि अब पलवल की जनता में भय का माहौल नहीं रहा है। पलवल की जनता एक बार फिर फरीदाबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताकर इतिहास रचने वाली है। उन्होंने कहा कि रोड शो में लोगों का जोश देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी जनता में मोदी का जलवा बरकरार है। लोग मोदी जी को फिर से पीएम बनाकर देश की बागडोर उन्हें सौंपने जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ता से अपील करते हुए कहा कि 12 मई को पूरे जोश के साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और लोगों को भी मतदान के लिए जागरूक करें। ऐतिहासिक रोड शो आज पलवल शहर में हुआ है और मेरे ख्याल से ऐतिहासिक ही जीत होने वाली है। जिस तरीके का जन सैलाब आज पलवल शहर में उमड़ा है, निसंदेह आज पलवल ने बहुत ही बुलंद आवाज में कहा है कि आज से पलवल में भय का माहौल खत्म होता है। देखिए, जिस प्रकार से विकास के कार्य हुए हैं, देश में सुरक्षा का माहौल बना है, देश अपनी मजबूताई की तरफ अग्रसर हुआ है। इस सरकार में 5 साल का बच्चा हो, 90 साल का बुजुर्ग हो, उसने एक उम्मीद और विश्वास देखा है। और इस बार पुनः, पिछली बार 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिला था और ऐतिहासिक जीत मिली थी, इस बार ये जनता उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। और मैं कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से पिछली बार जो 25-30 हजार वोटों की कसक रह गई थी, इस बार चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर यहाँ से 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत करके संसद भवन में जाने वाले हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।